देखिए, हर तरफ यही चर्चा है कि इस वर्ल्ड कप में भारत के स्पिनर्स जो हैं वो एक ऐसा एडवांटेज है जो उन्हें वर्ल्ड कप का खिताब भी दिला सकते हैं। और आज पाजी ऐसा लग रहा था एक स्टेज पे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खासतौर पर जडेजा और कुलदीप के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी बैटिंग थोड़ी सी ऐसी थी, विकेट भी हेल्प कर रही थी, ये नहीं कह सकते कि उनके बैट्समैन ने, हाँ अगर रन निकल जाते तो अलग बात होती, लेकिन वो स्मिथ को जैसे आउट किया, रॉन्ग लाइन पिक की, खेल नहीं पाए, तीनों विकेट, मार्श की कहो वो तो बहुत ही बढ़िया कैच लिया उसका, मेरे हिसाब से स्मिथ का विकेट बहुत इम्पॉर्टेंट विकेट था। सेट बैट्समैन को एक गेंदबाज आउट करता है तो आप कह सकते हैं कि टीम वापसी कर रही है। एक तो अजहर स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और दूसरा इंपॉर्टेंट विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का, दोनों को बोल्ड किया गया। जिस तरह से ये बल्लेबाज आउट हुए, एक बल्लेबाज के नजरिए से बताइए, क्या उनकी तरफ से लैक ऑफ एप्लीकेशन था या ये गेंद ही ऐसी थी जिसे अनप्लेएबल कहा जाए? नहीं, अगर आप स्मिथ का अगर आप देखेंगे, दोनों कोई पोजीशन में ही नहीं थे खेलने के लिए। नो डाउट बॉल अच्छा गिरा, टर्न हो रहा था, बट टर्न जब होता है तो आपको अलग तरह की टेक्निक से, उनका कोई बॉडी बैलेंस ही नहीं होता। जब आप फॉरवर्ड डिफेंस खेलते हो, आप सामने जाते, उनका खेलने का ही ऐसे ही खेले, तो मेरे ख्याल में बॉल इधर गिरी और पैर इधर था तो आप ऐसा खेल नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आप स्पिन को खेलते थोड़ा पैर को अंदर लाना पड़ता है। और जैसा ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ अटर पुअर शॉट था, क्योंकि अभी 15 ओवर थे, मीन 15 ओवर में 90 बॉल थे, और आपको पता है कि आप इनके बाद में कोई दूसरे बैट्समैन नहीं है, वहाँ पे आपको देख समझ के खेलना पड़ता था, जैसे वेरी पुअर शॉट। बट ओवरऑल हमने बॉलिंग अच्छी की, और बट ऑस्ट्रेलियन ने उतना ज्यादा जो एग्रेसिव उनका जो नेचर रहता है, जैसे हम बात करते हैं बहुत एग्रेसिव खेलते, आज उन्होंने वैसा नहीं खेला। संजय, आप मानते हैं ये ट्रेडमार्क ऑस्ट्रेलियन स्टाइल आपको भी कहीं मिसिंग लगा कि जो अग्रेशन दिखाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनके बल्लेबाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय स्पिनर्स के सामने घुटने टेक रहे हैं? उस तरह की कंडीशंस नहीं थी जहां डोमिनेट कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस कंडीशंस में खेलती है ज्यादातर गेंद पढ़कर अच्छी गति से आता है, पिच से भी निकलता है और अच्छी उछाल से भी आता है, इसी वजह से जहां पर भी विकेट थोड़ा सा रुक के आता है, गेंद टर्न करता है तो उनके दिमाग में डाउट्स आ जाता है। और इसका बड़ा एक आज आपको उदाहरण देखने को मिला कि वो किस तरह से कंडीशंस के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वो कंडीशंस का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये दोनों का जो संगम हुआ उसके कारण ये बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। अतुल, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लैक ऑफ एप्लीकेशन के आपको भी नजर आया? मुझे लगता है कि देखिए, वो कह रहे थे जीएसवी के कि आज खराब बैटिंग की, मुझे लगता है कि आपने वो सिचुएशन क्रिएट की जो प्रेशर बनाया गेंदबाजों ने, अगर सिराज ने विकेट नहीं ली पहले तो रन नहीं दिए, अगर 74 पे 1 थे वो तो आप सोचिए कि 74 तक पहुंचे, पर वो टाइटनेस थी कि आपको लग रहा था कि हमें रन बनाने हैं, हमें पहले बैटिंग करते हुए एक प्रेशर रहता है कि मेरे को 300 तक पहुंचना है, तो जो बैड शॉट्स आप देख रहे हो उसकी बैक स्टोरी है, उसके साथ वो है कि पिछले 3-4 ओवर प्रेशर बनाया गया और कुलदीप को वो पढ़ नहीं पा रहे थे, ये पता लग गया, ये अच्छी खबर ये है। और दूसरा, स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं, वो आज से 10 साल से ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, वो बड़े बड़े लोग परेशान कर दिए, पर उसके बाद भी परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि गलत लाइन खेले, पर उनके पास एक स्ट्रैटेजी थी कि वो अपना पैड पे बॉल नहीं खाना चाह रहे थे, जो उसका जडेजा का बॉल सीधा आता है, तो लगता है कि बुरा लगता है देखने में, पर इसी टेक्निक से वो एक ग्रेट बैट्समैन भी बने हैं। नहीं, थोड़ा सा था मुझे, जैसे वो खेलने गए अगर शुरू में होते तो वो रूम बनाना चाह रहे थे रन बनाने के लिए, अगर शुरू में होते तो वो लाइन में आते उसको खेलने के लिए, यहाँ ऐसा लगा कि अब मैं इतने रन 40 रन से ऊपर हो गए, अब मैं रूम बना के खेलूंगा, लेकिन बॉल ने जो पढ़कर घूमी, अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता है कि आप एक लेग स्टंप पर बॉल की ऑफ स्टंप लेके चली गई, वो लाइन में ही नहीं आ पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।